औरैया पुलिस तथा एसओजी टीम की मदद से दो वाहन चोरों को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की गई। इसको लेकर औरैया पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती चारू निगम द्वारा आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बताया गया कि दोनों ही अपराधी हैं, ये काफी लंबे समय से ये काम करते आ रहे हैं। इनके पास मोटरसाइकिल से लेकर फोर व्हीलर तक की मास्टर चाबियां बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल ये मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर चोरी करने में करते थे। अभी तक इन दोनों ने मिलकर काफी घटनाओं को अंजाम दिया। औरैया से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर आशुतोष अवस्थी। 28/7/2023 को वादी श्याम सुंदर शर्मा, इनके द्वारा एक तहरीरी सूचना दी गई थी कि इनकी स्कॉर्पियो, सफेद स्कॉर्पियो यूपीएससी डीवी 1985, ये गाड़ी जो है रात को चोरी हो गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की और फिजिकल सर्वेलांस करते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से ये गाड़ी को ट्रेस किया गया। गाड़ी को ट्रेस करके जो अभियुक्त हैं उनको चिन्हित किया गया। लगातार इन अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। तो कल मेरे खास से ये सूचना प्राप्त हुई कि बड़े नदी पुल की तरफ से, कपून की तरफ से औरैया की तरफ एक गाड़ी आने वाली है। तो जिस समय पे इसको बताया गया, रात्रि चेकिंग में टीम लगाकर घेराबंदी की गई। उसमें चेकिंग के दौरान ये जो हमारी चोरी की गाड़ी है, इसमें से दो अभियुक्त अभिजीत उर्फ लाला और गीतानंद, अभिजीत उर्फ लाला जनपद इटावा कोतवाली का रहने वाला है और गीतानंद वैसे तो प्रयागराज का रहने वाला है, पर तो वर्तमान में ये गंगाघाट जनपद उन्नाव में रह रहा है। ये इनका एक अंतर जनपदीय गैंग है जिसमें और भी लोग हैं, और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये लोग एनसीआर से गाड़ियाँ उठाते हैं, गाड़ियाँ चोरी करते हैं। उन गाड़ियों से आकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इन्होंने कई गाड़ियाँ चोरी करना बताया। इनका मोडस ऑपरेंडी में टेक्निकल एंगल ये रहता है कि ये जो गाड़ियों की चाबी होती है वो चाबी ओरिजिनल की तरह उसे कोड कर लेते हैं कि अपने साथ मारुति की एक जनरलाइज चाबी और महिंद्रा की एक जनरलाइज चाबी लेकर चलते हैं। जिसमें एक इसका जो अभियुक्त गीतानंद है वो ऐसे क्लाइंट लेके आता है जिनको किसी मॉडल की गाड़ी चाहिए होती है, कभी बताते हैं स्कॉर्पियो चाहिए या बुलेरो चाहिए, तो ऑन डिमांड ये लोग निकलते हैं, तुरंत रेकी करते हैं कि कौन सी गाड़ी इस मॉडल की है। जिस मॉडल का उनके पास कोड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, DP5 एक सॉफ्टवेयर है जो वैसे तो गाड़ी की चाबी बनाने और उसमें रिपेयर करने के काम आता है, परंतु ये लोग उसको चोरी करने के काम में लेते हैं। गाड़ी को खोलकर जो एल की टाइप के टूल्स होते हैं उससे गाड़ी को खोल के उसमें घुस जाते हैं और फ्यूज लगा के इग्निशन स्टार्ट करके और इससे जो नकली चाबी लेकर आते हैं उसको असली की तरह कोट कर लेते हैं। वो कोट करने के बाद जो ओरिजिनल चाबी होती है उससे गाड़ी फिर नहीं चलती है। इस प्रकार से उन्होंने पूरी घटना को कारित करना बताया। लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर कोई भी गाड़ी चिन्हित करके ये खोलते और दूसरी चाबी बना के ले जाते हैं। इनके बाकी और अभियुक्त भी हैं साथ में, जो साथी हैं केशव, आशीष और भूपेंद्र, ये सभी बड़पुरा जनपद इटावा के रहने वाले हैं। इनकी भी अभी हमें तलाश है, इनको भी शीघ्र इन पे अरेस्ट किया जाएगा। इन लोगों के द्वारा जनपद औरैया का ही थाना विधुना में एक 21/8/23 को फिरोजाबाद में इको जो चोरी हुई थी वो बरामद हुई है। लेकिन वहाँ पे कबाड़ी के यहाँ से ये इको बाई पार्ट बरामद हुई थी, जहाँ पे 411/413 ITC का भी पंजीकृत किया गया था। तो उस कबाड़ी से पूछताछ में इन लोगों ने अभिजीत उदलाला के द्वारा उक्त गाड़ी को इस कबाड़ी को देना बताया गया था। तो ये दोनों घटनाएं इस गैंग के द्वारा की गई हैं। इसमें थाने की टीम के द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे की टीम और एसओजी की टीम ने बहुत मेहनत करी है। इन दोनों ही टीम को संयुक्त रूप से 25,000 का पुरस्कार मिला। हाँ, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये 2000 में तो 2012 से ही ये घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन पकड़े ये 2015 में संभवतः पहली बार गए हैं। अभिजीत और लाला के ऊपर 15 मुकदमे हैं, ये जो अभी वर्तमान में हमें पता है। जो NCR में अगर दिल्ली में और मुकदमे हैं तो उसकी भी तलाश की जा रही है। सारे मुकदमे जनपद गौतम बुद्ध नगर, इटावा और ये इन सब जगहों के मुकदमे हैं। और गीतानंद के ऊपर कानपुर नगर से थाना बर्रा के दो मुकदमे हैं और हमारे विधुना और कोतवाली के दो मुकदमे हैं।